हेलो स्टूडेंट्स, अपने कौन से प्रश्न हमने कर रहे थे? अपने 8.2 कर रहे थे, उसमें किसके बारे में बात की थी? परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे। क्रैमले विक्रमली, यानी लोग वैसे बोलते हैं, टॉपिक जो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, उसकी बात कर रही थी। उसी में अपने क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपके हो गए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है, कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 80 वस्तुएं कितने रुपए में? 2400 में। तो लिखे दुकानदार है जो 80 वस्तुएं खरीदता है, कितने रुपए में खरीद रहा है? 2400 रुपए। जो खरीदता है, खरीदने वाला क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं, कौन सा मूल्य बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो अगर मैं चाहे तो इसको क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य या सीपी कितना हो गया आपका? 2400 रुपए हो गया। क्या कहता हूँ, 16% लाभ पर, लाभ कितना हो रहा है? प्रॉफिट लिख दो या लाभ लिख दो, कितना हो रहा है? 16%। तो अपने क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? जैसे आप विक्रय मूल्य निकाल लोगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस में जितना लाभ है, लाभ बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। करेंगे क्रय मूल्य कितना है आपका, 2400 रुपए है, 100 प्लस लाभ कितना हो जाएगा, कितना है, 16% है, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बटे में 100 करो, 2400 गुणा 100 और 16 कितने हो जाएंगे, 116 बटे में 100, 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 116 इंटू 24। कितने वस्तुओं का मूल्य हो गया आपका, विक्रय मूल्य कितनी वस्तु का हो गया, 80 वस्तुओं का हो गया। तो क्या लिखेंगे, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 116 इंटू में 24। 80 क्या निकालना, कितने का एक वस्तु का विक्रय मूल्य, 116 इंटू 24 बटे में 80। चाहो तो आप इसको पहले गुणा कर लो फिर बाद में लो, मेरे को पता है काटना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया। करेंगे 8 × 8 = 0, 8 × 3 = 24 कर दो, 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 4, 3 × 3 = 3 तो कितना आ गया, 348, 34.38। एक वस्तु क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 34.38, क्या आ जाएगा आपका, 34.80। दोबारा देखो क्या बोल रहा है, कि 80 वस्तु क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार है 2400 रुपए में 80 वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, उन्हें 16% लाभ हुआ, कितनी वस्तु खरीदते हैं, 80 वस्तु खरीद रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है टोटल, 16% लाभ हो रहा है। एक वस्तु क्या करना है आपको, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य खरीदना, विक्रय मूल्य बेचना, बेनिफिट लो ये लाभ, और जो हानि होती है लॉस, ठीक है। 80 वस्तु खरीदते हैं, कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 2400 रुपए में खरीद रहे हैं, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 2400, लाभ आपको किसमें दिया है, परसेंटेज में 16%। तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस में लाभ माइनस हानि होगी तो माइनस, तो अपने पास लाभ है 100 प्लस लाभ बटे में 100। क्रय मूल्य 2400 इंटू 100 प्लस 16, क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, या बोर्ड मास के नियम से पहले ही आगे
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य कितने 15,500 था, रुपए 450 इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो एक बात है, आपने बाई चांस मान लो बाइक खरीदी कितने की, या कोई चीज टीवी भी मान लो 25,000 रुपए में खरीदा, ठीक है, पर लेकिन सेकंड हैंड टीवी खरीदा 25,000 रुपए में, उसमें कुछ कमी थी, तो मान लो आपने 10,000 रुपए क्या कर दिए, उसके मरम्मत में खर्च कर दिए, तो आपको टीवी कितने में पड़ेगा, 35,000 में। कितने खर्च हो गए, 35,000, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 35,000। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार आपका है, क्या कह रहा है कि एक वस्तु का जो मूल्य था 15,500 था, उसपे से मरम्मत कराई कोई वस्तु थी, उसकी मरम्मत करवानी पड़ी, कितनी करवाई, 450 रुपए में, फिर उसने उसे कितने 15% लाभ पर बेचा, उसे 15% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य याद करो। तो कैसे करोगे, वस्तु का मूल्य था कितना, 15,500 रुपए था, मरम्मत में खर्च कितने किए, मरम्मत पर खर्च किए कितने रुपए कर रहे हैं, मरम्मत पे खर्च 450 रुपए, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो क्रय मूल्य निकालोगे आप इन दोनों का जोड़, 15,500 में 450 जोड़ोगे, जोड़ो 0 का 0 5 5 और 4 9 और 15, यानी जो इसका क्रय मूल्य हो गया 15,950, से मतलब जो वस्तु थी कितने रुपए में पड़ गई, 15,950 रुपए में उसे पड़ी है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 15,950, उसने लाभ कितना कमाया है, लाभ कितना किया है इसने, 15%, किसी वस्तु को बेचा तो किस में बेच रहा है, 15% लाभ पे, तो अपने को विक्रय मूल्य निकालना है। अभी अपने ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा में 100+ लाभ बटे में 100, क्रय मूल्य कितना है, 15,950, 100+ लाभ कितना अपने पास, 15%, यानी 100 में कितना जोड़ोगे आप, 15 बटे में क्या आ जाएगा, 100 जोड़ेंगे 15,950 को, जोड़ा 100 और 15 कितने हो जाएंगे, 115 बटे में 100, 10 से 10 कटेगी, जो कटते उसे काट देंगे, जो नहीं कटता उसे छोड़ देंगे, करो 5 के 12 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 क्या बचेगा, 15, 5 दिया 15, अब कुछ कट रहे नहीं कट रहा, कर दो 195 का गुणा 23 से बटे में 2, सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, ये आप खुद सोल्व करोगे, क्या करोगे, गुणा करके किसमें भाग दोगे, 2 में भाग दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो आपका आंसर होगा वही क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा या कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा या कम होगा, लाभ ही है, बेनिफिट लिया तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य आपका, 15,950 तो ज्यादा होगा, ठीक है, ये आप खुद करोगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपए में खरीदा गया, यानी वीसीआर का क्रय मूल्य कितना हो गया 8,000, टीवी का कितना हो गया 8,000, जो जो अपने को समझ आ रहा है वो लिख लेते हैं, वीसीआर का क्रय मूल्य कितना हो गया 8,000, और इधर क्या कह रहे हैं, टीवी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 8,000, फिर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वीसीआर पर 4% की क्या होगी, हानि होगी, और टीवी पर 8% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, वीसीआर पर हानि हो रही है, तो हानि कितनी हो रही है आपकी 4%, और क्या कह रहे हैं, जो टीवी पर क्या हो रहा है आपका, लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है,
8%। एक पे लाभ हो रहा है, एक पे हानि। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि क्या ज्ञात करनी है? प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? इन दोनों का पहले क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य, तभी पता लगेगा इसका विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य। उन दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि जो क्रय मूल्य है और ये अथवा विक्रय मूल्य ज्यादा क्या है, जो आ जाएगा उससे क्या निकालना है? प्रतिशत में निकालना। तो देखते हैं हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत है, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू हानि है तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस हानि बटे में 100। करो क्रय मूल्य कितना है? 8000। 100 में से कितने माइनस करोगे? 4 बटे में 100। 8000 इंटू 100 में से 4 माइनस किया 96 बटे 100। 20 से 20 कट गई, 8 6 48। 8 हंसल 4, 8 नी में 72, 72 और 4 कितना हो गया? 76। अपने को पता है हानि बोले तो कम में बेचेगा, तो कितना हो गया आपके पास? VCR का विक्रय मूल्य, VCR का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 7680 रुपये। तीन ही क्रय मूल्य दे दिया आपको, 8000 लाभ दिया है 8%। तो इसका पर निकाले क्या करोगे? लाभ सॉरी क्रय मूल्य गुणा में 100%, 100 प्लस लाभ बटे में क्या आ जाएगा? 100 कहां से आया? जो ये परसेंट है, परसेंट बताते हैं इसलिए बटे में 100। क्रय मूल्य कितने? 8000 रुपए। 100 प्लस कितना आ जाएगा? 8 बटे में 100 कितना हो जाएगा? 8000 100 और 8 108 बटे में 100 काट दो, जो कट रहे ये 20 से 20 बच गया क्या? 80 इंटू में 108 0, 8 का बड़ा 8 तक 8 64, 4 हमसे 6 तो 6 8 का 8, 8640। ये क्या हो गया आपके पास? टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 8640। इसको रफ करना पड़ेगा, इसमें दोबारा समझ लो। VCR का क्रय मूल्य दिया हुआ कितना है? 8000 पे हानि दे दी 4%। फॉर्मूले से निकाला, हानि क्रय मूल्य इंटू 100, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बटे में 100। हानि होने घाटा लग रहा था तो कम होगा, इसलिए 100 में से माइनस कर देंगे। कितना गया? 100 में से 4 गया 96, 96 बटे 100 कितना गया? 76280। ठीक है, इसमें टीवी का क्रय मूल्य दिया आपको 8000 रुपए, लाभ दे दिया 8%। तो लाभ दिया तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 100 प्लस में कर देंगे। जैसे किया फॉर्मूला लगाया तो कितना आ गया? 8640। इन दोनों का विक्रय मूल्य जोड़े, अब इसको साइड में लिख लूं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया? क्योंकि ये अपनों ने निकाला है, इसका भी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8640 रुपए। अब इन दोनों का क्या करते हैं? ऐड करेंगे, देखो अपनों ने क्या किया, विक्रय मूल्य निकाल लिया दोनों का। अब क्या करेंगे? अपने क्या करें? VCR का क्रय मूल्य है, क्योंकि अपने को लाभ और हानि देखनी है कि दोनों में किसकी हुई है, प्लस टीवी का क्रय मूल्य निकालो। दोनों का क्रय मूल्य इसका कितना है? 8000। इस का भी कितना है? 8000। 8000 और 8000 कितने हो गए? 16000 रुपये हो गए। अब क्या बोल रहे हैं? VCR का विक्रय मूल्य, तभी अपने को पता लगेगा कि लाभ हुआ है या हानि। टीवी का विक्रय मूल्य निकालो, कितना है इसका? 7680 प्लस में 8640 जोड़ दो, 8 और 4 12 6 6 12 13 8 8 16। यानी देखो उसने दोनों वस्तुएं खरीद रहे 16000 रुपए में, बेच रहे 16320 रुपए में। अब एक बात बताओ, लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा ना, दिख रहा है ये ज्यादा है ये कम है, तो लाभ है। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? अपने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे। विक्रय मूल्य कितना है आपका? 16320 में से 16000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा?
बीस रुपए। क्या आ गया आपका लाभ आ गया 320 रुपए। भाई इन्होंने पूछा क्या है, परसेंटेज में पूछा है। जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए लाभ किस पे हुआ है, किस पे होता है लाभ, अपने को क्रय मूल्य में होता है हमेशा लाभ, तो कैसे निकालोगे लाभ बटे में लाभ परसेंटेज निकालना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लाभ बटे में सीपी इंटू 100 करो। कितना आया लाभ 320 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 16,000 रुपए और गुणा में 100। जो कट रहे अपने क्या करेंगे, काट देंगे 1 2 3 1 2 3, 16 एकम 16 16 दूनी 32। कितना परसेंटेज में निकालना है, इसलिए लाभ क्या हो गया इसको 2%। रुपए में देखे तो 320 रुपए कमाता है ये बोनस बेच के, पर अगर परसेंट में देखे तो कितना आ रहा है, ओनली 2% लाभ इसने कमाया है। ठीक है, आप इसको रिपीट कर देना, दोबारा देख लेना, ये दो पार्ट में हो गया। पहले बीसीआर का करोगे, फिर टीवी का करोगे, दो पोर्शन को एक साथ हो गया। इन दोनों का क्रय मूल्य, इन दोनों का विक्रय मूल्य ऐड करोगे, लाभ हो रहा है तो क्या करोगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, अगर हानि हो गई तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं। लाभ याद करें तो लाभ परसेंटेज में निकालें तो लाभ बटे में सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू में 100, हानि परसेंट हानि बटे में सीपी इंटू में 100। चाहे लाभ हो जाए हानि हमेशा किस पे निकलती है आपकी, क्रय मूल्य। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।